सो गाइज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तखान लग चुका है, ठीक है। फर्स्ट अफ्तारी हमारी जो है ना पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या है हमारी अफ्तारी में, ठीक है। और यहाँ जो है ना हम साया मतलब नेबर की जो है ना प्लेट रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक पहले होता है, पहले आगे पीछे भी हमें देना चाहिए खाने से पहले पहले। तो अभी दो प्लेटें बन रही हैं, एक इस मतलब ये वाले नेबर को जाएगी और एक हमारी बड़ी मामा को जाएगी, ठीक है। तो अभी ये प्लेट बना रही है मुसी, हमारे घर की अम्मा है ये भाई, हमारे घर की अम्मा है और ये हमारी छोटी अम्मा है ना जी। इससे पूछना जा रहा है इसने रोज़ा रखा है, आपने रोज़ा रखा है कहाँ रखा? फ्रिज में। हमारी मंतशा का आज रोजा है और रोजा रखा है उसने फ्रिज में। मैंने भी रखा फ्रिज में। हाँ आई नो। चलो भाई मनाई ला चुकी है पापड़ी लेकर, ये हमारी पापड़ी। ए ऐसे करो, ऐसे रख इसको, उसके बाद में पापड़ी। ये पूरी प्लेट रेडी है जी, चाट के लिए बोले के आओ। मंतशा को भी एक पापड़ी देना, सही है एक देना बस, एक से ज्यादा नहीं, एक बस। तो ये आलू के पकोड़े हैं, ये जूस है, जूस कौन सा मुझे टैंग। अच्छा जी ये जूस है हमारा, ये आलू के पकोड़े, यहाँ आ गई पापड़ी कलरफुल पापड़ी, ओके। ये आ गई मैक्रोनी, वो आ गए पकोड़े, पकोड़े ठीक है। और वो आ गई चाट, और ये आ गई क्या बोलते हैं खजूर। अच्छा ये प्याज वाले पकोड़े हैं और ये आलू के पकोड़े हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और बाकी रह गई चटनियाँ शटनियाँ, तो वो उसके ऊपर अभी जब हम खाएंगे दुआ मांगेंगे तो आपको दिखाते हैं। बड़े ही रहने से काम होगा, किए ही जाऊंगा दे मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा दे मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम में दर नबी पर पड़ा रहूंगा बड़े ही रहने, जो दिल से है के हर दम उस बे नावा के लब पर दुरूद होगा सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी। सो गाइस शुगर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अफ्तारी जो है ना डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। चलो भाई अब सब शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, ठीक है। मुसी खाना नहीं खाया बोलो, ये देखो हमारी बैटमैन क्या बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो शुक्र है।
हमारी मम्मा की बारी, तो हमारी मम्मा से भी बुलवाएंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में मशरूम मम्मा ने बनाया, ये सब मेरी मम्मा की मेहनत है, सब कुछ मम्मा ने बनाया। हाँ इसकी और मम्मा की मेहनत, ये भी थी। हाँ ये भी थी, ये भी थी भाई, सबसे बड़ा रोल ही इसका था हमारे घर में। तो मम्मा चक्के इसने बताया, हाँ हम लोग का तो रोजा था ना, चक्का इसने। चलो भाई जजाकल्ला, और ये सब हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब दस्तान कौन उठाएगा, दस्तान कौन उठाएगा, बर्तन कौन धोएगा। अब सब भाग जाओ क्योंकि अब दोनों की बारी आ गई है बर्तन, अब भाग जाओ सारे के सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब डन हो गया, अब करते हैं एंडिंग। सो गाइस फर्स्ट अफ्तारी जो हमने खा ली, पी ली, पेट में ले गए हम सब कुछ खा लिया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिनिश्ड हो गया। अब जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, अदा करते हैं, और फिर जो है ना व्लॉग की करते हैं एंडिंग, ठीक है, नमाज के बाद ख़त्म। सो गाइस फर्स्ट अफ्तारी जो है ना यहीं पर ही डन होती है, हमारा व्लॉग जो है ना यहीं पर ही हो जाता है एंड, ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि सहरी में हम लोग क्या बनाएं और नेक्स्ट अफ्तारी में हम लोगों को क्या मेन्यू रखना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड, आप इस वीडियो को कर दो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ठीक है जी। तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमजान मुबारक।